हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि पीएचपी का जो उप्स कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग इंसर्ट और व्यू कैसे करते हैं, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए उसको व्यू कैसे करेंगे, और डिलीट और अपडेट भी बताऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो में छोटा रखना चाहता हूँ। बड़े वीडियो में लोग इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, इसलिए छोटा वीडियो रखता हूँ। ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये बूटस्ट्रैप के थ्रू आ रहा है, बूटस्ट्रैप 4 यूज़ किया है मैंने, तो डिज़ाइन कोडिंग सब करके रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीएचपी आता होगा, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि फ्लो कैसे जा रहा है। तो अगर आपको सुटेबल लगता है तो वीडियो जरूर देखिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक रिकॉर्ड, ऑलरेडी 2-3 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। कुछ पासवर्ड, रैंडम पासवर्ड डाले। यहाँ पर जो रिकॉर्ड था वो अपडेट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप पीएचपी सीख रहे हैं या उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पीएचपी का जो ओप्स कॉन्सेप्ट और पीडीओ है दोनों को बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि अब के टाइम जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कोर पीएचपी में वो ओप्स में बनते हैं, और फ्रेमवर्क तो सब आपके ओप्स में ही है, जैसे कोऑर्डिनेटर है, लारावेल है, केक पीएचपी, ये सब ओप्स बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपको कोर पीएचपी आ गया अच्छे से, प्रोसीजरल जो पहले यूज़ करते थे वो प्रोसीजरल होता था, बट अब जो हम लोग पीएचपी यूज़ कर रहे हैं ओप्स के बेस, वो ओप्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग बैकएंड में जाएंगे, चेक करेंगे कि बैकएंड में कैसे इसका फ्लो है। फिलहाल मेरे पास दो फाइल है, एक home.php है, एक class.php। तो class.php में हमारा बैकएंड का कोड है, जो कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी करना है वो बैकएंड का कोड वो हम लोग class.php में रखे। और home.php क्या है, जो आपका फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। तो पहले मैं फ्रंट का पार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कंटेनर लिया है और ये कुछ सीरियल लिंक्स हैं बूटस्ट्रैप के, और ये कंटेनर में रो बना लिया है, उसमें मैंने जो ये है इसको, जो इंसर्ट रिकॉर्ड का ये कॉलम, इसको 4 रखा है, इसको मैं 8 रखा हूँ, तो 8×12 हो गया, क्योंकि आपको ये पता होगा 12 का कॉलम बूटस्ट्रैप सपोर्ट करता है। तो ये तो बूटस्ट्रैप का पार्ट है, बाकी फॉर्म्स, ये इनपुट फील्ड्स है, 4 इनपुट फील्ड्स है, सबको मैंने नाम असाइन किया, क्योंकि जो पीएचपी गेट करता है वैल्यू को वो नेम से गेट करता है, क्योंकि जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट हम लोग आईडी से कर सकते हैं और क्लास नेम से कर सकते हैं, बट हम लोग पीएचपी में हैं तो हम लोग नेम के थ्रू उसकी वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास में जाते हैं, class.php मैंने स्टूडेंट नाम का क्लास बना लिया, ठीक है। क्लास बना लिया क्योंकि भाई क्लास इसलिए बनाते हैं कि जैसे मेरे पास काफ़ी सारा बड़ा प्रोजेक्ट है, बार बार मुझे कोड को यूज़ करना है कहीं और पे, किसी और फाइल में, तो क्लास में कैसा है कि क्लास बनाने के फायदे को उसमें हम लोग जो भी कोड लिखेंगे, जैसे इस क्लास में मैंने 2 फंक्शन बना के रखे हैं, अब इस फंक्शन को आप चाहे तो कहीं पे भी किसी पे और पेज पे यूज़ कर सकते हो। कैसे, एक तरीका है कि उस क्लास का हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बना के उसकी जो भी फंक्शन मेथड जो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। क्लास का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्लास का एक्सेस यहाँ पे आ गया, my ऑब इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। क्लास का नाम यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे ये फंक्शन को एक्सेस करना है, ये फंक्शन को और ये फंक्शन को एक्सेस करना है, तो बहुत सिंपल है, हम डॉलर माय ऑब लिखेंगे और ये साइन देंगे, एरो बोल लेते हैं इसको, कुछ और बोलते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऐड, ठीक है। मैंने मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट को, क्लास के फंक्शन को इस तरह से एक्सेस कर लिया, प्ले डेटा, इस तरह से मैंने दोनों फंक्शन के यहाँ पर एक्सेस कर लिया। उस ये मैंने एग्जांपल दिया है, इस तरह से आप इस क्लास के मेथड्स को, ऑब्जेक्ट्स को कहीं पे भी फेच, कहीं पे भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कोड को समझते हैं। तो मैंने पहले 4 वेरिएबल्स ले लिया, चारों वेरिएबल्स को मैंने प्राइवेट रख दिया, क्योंकि
कनेक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट ही रखना चाहिए, कहीं और विजिबल ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड और डीबी नेम दे दिया। डीबी नेम मेरा टेस्ट है, यूज़र नेम रूट है, और लोकल होस्ट और पासवर्ड कुछ भी नहीं है। पब्लिक कनेक्शन दे दिया क्योंकि भाई मुझे इसको कहीं पे भी यूज़ करना है बार बार, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पब्लिक दे दिया। इस कनेक्शन के अंदर सारा का सारा ये जो वेरिएबल है हम लोग स्टोर करा देंगे, देखते हैं कैसे। पब्लिक फंक्शन डबल अंडर स्कोर कंस्ट्रक्ट नाम का एक मेथड बना लिया। ये मेथड, यही सेम मेथड हम लोग कोड इग्निटर के फ्रेमवर्क में देखते हैं। अगर आप कोड इग्निटर का फ्रेमवर्क जब लर्न करोगे, सीखोगे, उसमें भी इसी तरह होता है। जब हम लोग लाइब्रेरी वगैरह लोड कराते हैं ना, तो ये लाइन लिखी रहती है वहाँ पे। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब भी आपका क्लास है उसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ यार फिर से। ऑब्जेक्ट न्यू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, एक्चुअली नाइट ऑफ है मेरी, इसलिए टाइप करने मुझे नहीं हुआ। तो यह जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तुरंत ये मेथड जो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में कॉल हो जाता है, और इसके अंदर जो भी कोड देते हैं वो चल पड़ता है, वो रन हो जाता है। इसीलिए कंस्ट्रक्ट मेथड मेथड जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कनेक्शन डालते हैं, कनेक्शन का जो भी कोड है वो वहाँ पे डालते हैं कि जब भी क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट कहीं भी किसी भी पेज पे बनेगा तुरंत ही कॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फिलहाल होम डॉट पी एच पी पे मैंने कॉल करा है, ये रहा, मैंने क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट बना लिया और यहाँ पर कॉल करा दिया, तो वो तुरंत ये जो मेथड था वो रन हो गया होगा उस पेज पर जाके। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली क्लास का जो भी मेथड होता है उसके बाहर अगर वेरिएबल कोई है उसको मुझे इस मेथड या फंक्शन में एक्सेस देना है, तो उसके लिए डॉलर दिस मैं यूज़ करता हूँ, उसको बताने के लिए कि डॉलर दिस इसी वेरिएबल को मुझे कॉल कराना हो, इसीलिए डॉलर दिस लगाया जाता है। यहाँ पे न्यू MySQL आई, MySQL का मैं वेरिएबल बना लिया और इसमें आके सेव हो गया, ठीक है। तो अब इसका यूज़ समझ में आया, ये पब्लिक इसलिए रखा था कि इसको हर जगह मैं यूज़ कर सकूँ। उसके बाद क्या किया गया, MySQL आई में, इस MySQL आई के ऑब्जेक्ट में मैंने ये सब पूरा का पूरा स्टोर कर लिया। क्या स्टोर कर लिया, लोकल होस्ट, रूट, डेटाबेस नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी था वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब ये जो बनता है, ये जो वेरिएबल है, ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ ये सब को साथ में लेके जाएगा, तो इसीलिए ये यहाँ पे कॉल कराया। अब हम लोग कनेक्शन का एरर चेक कर लेंगे, ट्रिगर एरर में दिखा देंगे, कुछ इशू रहेगा तो यहाँ पे एरर इन डीबी बता देगा। एल्स में क्या है, अगर कुछ सब कुछ सही रहा तो वो रिटर्न कर देगा इसको ट्रू करके, मतलब ऑल इज़ वेल, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड के लिए, मैं चार फंक्शन बनाऊंगा, ऐड, डिलीट, व्यू और अपडेट। तो मैंने ऐड में यहाँ पर बना लिया है, एक वेरिएबल लिया है। अब ये यहाँ पे मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, अगर आपने .NET किया है तो उसमें भी हम लोग देखते थे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है। ये थोड़ा सिक्योर होता है, SQL इंजेक्शन जो होता है, SQL इंजेक्शन के थ्रू हम जो वेबसाइट हैक करते हैं उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा फिर से मैंने वही कनेक्शन का वेरिएबल कॉल किया, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा हमारा डिटेल है, क्या है, डेटाबेस का नाम, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड, जो भी सब इसमें है, फिर उसको मैंने बताया कि भाई प्रिपेयर कर ये स्टेटमेंट को और उस पर इंसर्ट की क्वेरी ही कॉल करा दे। इंसर्ट की क्वेरी यहाँ तक तो सब सही लग रही होगी, आपको बाद में पूछेंगे अरे भाई यहाँ पे तो मैं वेरिएबल पास करूँगा ये वाली नीचे के, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का यही फंडा ही है, वो इसी तरह काम करता है कि यहाँ पे जब भी कोई बंदा आएगा वो वैल्यू चेंज करने के लिए कोशिश करेगा तो उसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा और उसका सर चकराया जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये फुल्ली सिक्योर है, कोई हैक नहीं कर सकता, बट मोस्टली ये सिक्योर मानी जाती है। फिर मैंने डॉलर रिजल्ट को यहाँ पे चलाया, फिर बाइंड पैरामीटर, पैरामीटर को बांध दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर दिया। अब ये जो चार चीज़ें दिख रही है क्या है, SSS, पहला एस है इसके लिए, दूसरा है इसके लिए, तीसरा इसके लिए, चौथा इसके लिए, ये क्या है। एस फॉर है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग,
मतलब मैं बता रहा हूँ कि पहला जो मेरा वेरिएबल है वो भी स्ट्रिंग है, दूसरा भी स्ट्रिंग है, तीसरा भी स्ट्रिंग है और चौथा भी स्ट्रिंग है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अभी मान लो मैं यहाँ पे ईमेल की जगह अगर मैं मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, मोबाइल मोबाइल तो मेरा इंटीजर हो जाएगा, तो मैं इसको क्या बोलता भाई, तो यहाँ पे आई ले ले, और अगर यहाँ पे डेसिमल होता या फ्लोट होता तो मैं डी कर देता, डी। तो SISD मतलब स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग डेसिमल, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे फ्लो, इसका फ्लो कैसे जा रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइंड कर दिया, चारों वेरिएबल यहाँ पे जो आ रहे हैं यहाँ से आ रहे हैं, और ये तो आपको पता ही हो मैं पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर्म में, ये रहा पोस्ट मेथड, और सबका जो नाम है ये नाम ये नाम ये नाम यहाँ पर आके इसमें सेव करा दिया और इसको असाइन कर दिया है, ये चारों को यहाँ पे असाइन कर दिया। उसके बाद मैं बोलता हूँ रिजल्ट को एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो मैं चेक करूँगा रिजल्ट, अगर ट्रू है तो इसको सेशन में यूज़ नहीं करो फिलहाल, तो वो सब कुछ ठीक रहेगा, तो वो हेडर का यूज़ करके लोकेशन पे रिडायरेक्ट कर देगा home.php पे। तो मेरे पास और कोई पेज तो है नहीं, तो मुझे सेम पेज पे रखना है, क्योंकि जैसे ही मैं डेटा इंसर्ट करूँगा तो उसी पेज पे रीलोड होकर वो डेटा व्यू में आके शो करा देगा, कुछ भी अगर एरर होता है तो यहाँ पर वो शो कराता है। कनेक्शन क्लोज कर दिया, यही सेम प्रोसीजर वे में भी आपने देखा ही होगा अगर प्रोसीजर वे से आपने किया है तो, ठीक है। तो ये ऐड का मेरा इतना कोड हो गया, इसमें मल्टीपल चेंजेस आप कर सकते हैं, इसमें थोड़े से और कोड लिख के आप इसको और सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा ऐड के लिए होगा, ऐड हमने कैसे किया मेथड पोस्ट, यहाँ पे ऐड के लिए मैंने एक्शन बताया कि भाई कौन से पेज पे रहना है, तो उसी पेज पे जाके वो रन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा ये मैं बताता हूँ हेडर क्यों यूज़ किया, हेडर हम लोग PHP में यूज़ करते हैं हेडर का, मतलब किसी पेज पे रिडायरेक्ट होना है तब हम लोग हेडर का यूज़ करते हैं। अभी जैसे क्या है उसका यूज है चलो मैं बता देता हूँ आपको, अभी जैसे मैं हिट करूँगा सबमिट रिफ्रेश होगा और मुझे इसी पेज पे रखेगा, ठीक है, वो इसी पेज पे रखेगा, इसलिए मैंने हेडर का फंक्शन यूज़ किया है यहाँ पे, ये हेडर का फंक्शन यूज़ किया है। फिर आ जाते हैं हम लोग पब्लिक डिस्प्ले, डिस्प्ले में इसके पहले ये बता दूँ कि ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ होने के बाद ये सब होने के बाद मैं इस पेज पे आऊँगा तो मैंने मेरा जो स्टूडेंट नाम था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद अगर इस सेट डॉलर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट अगर सेट है, सबमिट बटन मतलब ये जो बटन दिख रहा है अगर ये सेट है तो ये इसको कॉल करा देगा, क्या कॉल करा देगा, इसमें मैंने इस वेरिएबल में मैंने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट सेव कराया, यहाँ पे मैंने बोलूँगा ये फंक्शन को रन कर, मैंने वहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में कि फंक्शन को कैसे किसी भी क्लास के फंक्शन को हम लोग ऐसे ही कॉल कराते, पहले उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर इस तीर के मदद से हम लोग उसके फंक्शन को कॉल करा के एक्सेस करा लेते हैं। तो इस तरह से मेरा ऐड का काम हो गया, एडिंग का काम हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे भी सेम वही मेथड फॉलो करना, बट यहाँ पे बाइंड वगैरह नहीं करना क्योंकि मैं कोई वेरिएबल पास तो नहीं कर रहा हूँ डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मेरे डेटाबेस का नाम कस्टमर है, दिखा देता हूँ आपको, टेस्ट मेरा डेटाबेस है कस्टमर ही रहा, ठीक है। फिर मैंने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें ये पास कर दिया, जैसे मैंने बताया था ये कनेक्शन में मेरे सारा का सारा डेटाबेस का डिटेल है, इसलिए यहाँ पर को बार बार हमको पास करना पड़ेगा। और ये जो तीर का साइन है, इसके बाद क्वेरी हम लोग ने यहाँ पे क्वेरी फंक्शन यूज़ किया, एक क्वेरी फंक्शन उप्स का ही है, इसमें क्वेरी में बता दिया कि क्या पास करना है, मेरा जो भी सिलेक्ट का जो भी डेटाबेस का हमने सिलेक्ट किया है जो भी डिटेल या जो भी वैल्यू हमारी आई इसमें सेव करा दी, यहाँ से इसको पास करा दिया। इफ़ डॉलर नंबरोस कुछ अगर जीरो से ज़्यादा मिलती, एक दो वैल्यू मिलती तो यहाँ पे आके वो ये का ये क्वेरी ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ डॉलर डेटा लिया है मैंने, उसमें एरे पास करा दिया क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डेटा होंगे ना, एक से ज़्यादा होंगे, 2, 10, 50, 100 जो भी रहेगी, इसलिए मैंने एरे में पास करा दिया। तो एरे में पास करने के बाद मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल लूप लगाने के बाद यहाँ पे मैंने रिजल्ट, फिर ये जो तीर का निशान है, फिर फेच एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के थ्री उसको अशोक या एसोसिएटिव, इसको पूरा एसोसिएटिव बोलते हैं, उसके थ्रू उसके यहाँ पर
डॉलर में जो भी था हमने यहाँ पे सेव करा लिया और डॉलर को फिर यहाँ पे कॉल करा लिया, और जो ये डेटा था इसको हम लोग एरे बना दिए थे, तो एरे में आके सब सेव हो गया, फिर रिटर्न कर दिया मैंने एरे को, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब इस डेटा में बहुत सारी वैल्यू क्योंकि इसमें एरे डाल दिया, आपको पता होगा ना एरे क्यों यूज़ करते हैं, एरे में मल्टीपल डेटाज होते हैं, इसलिए हम लोग एरे को यूज़ मल्टीपल डेटा हम लोग एरे में स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एरे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एरे में सब कुछ आ गया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद ये मैं हटा देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसका जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे बना के रखा है, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पेज पे कॉल कराने क्लास को वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उस सेम पेज पे थोड़ी बनेगा। फिर आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये तो पता चल गया होगा आपको क्या है, बेसिकली ये नाम आईडी वीडी यहाँ पे सब मैंने दे दिया है। फिर यहाँ पर आते हैं, अब देखो यहाँ पर फिर वही किया मैंने, अब मेरा जो क्लास का ऑब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी एक बार यहाँ पर बना लिया है और ये इंक्लूड करा लिया क्लास डॉट पेज पे, अगर इसको नहीं इंक्लूड करोगे तो उसको पता नहीं चलेगा ना कि क्लास भाई कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैंने ये जो पूरा का पूरा कोड है यहाँ पे उसको एक्सेस दिया है कि इंक्लूड में जाके भाई तू सेव हो जा और पूरा का पूरा एक्सेस जो क्लास डॉट पेज पे का यहाँ पर भी दे, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने बना ही लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या किया, डॉलर स्टडी किया, फिर मैंने जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, जो ऑब्जेक्ट को बना के जिस वेरिएबल में सेव किया, ये वेरिएबल में मैंने सेव कर लिया। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन को कैसे एक्सेस करेंगे, फिर डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा कहाँ पे है, ये रहा डिस्प्ले डेटा, और डिस्प्ले डेटा क्या, ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये डेटा, ठीक है। तो क्योंकि डिस्प्ले डेटा का जो कोड है ये तो यहाँ पर है, तो इसका एक्सेस कैसे मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा जब मैं क्लास के थ्रू, क्लास के वेरिएबल को, जो क्लास ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाया है उसके थ्रू मिलेगा। मैंने डिस्प्ले डेटा कॉल करा दिया, उसके बाद स्टूडेंट एज स्टूडेंट कर दिया, मतलब इसको बता दिया भाई इसमें तो सेव कर ले, बाकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे तो शो करा दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर ईच का यूज़ किया तो मेरे को बहुत सारी जो वैल्यूज थी वहाँ पे मिल गई, ये सारी वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो इस तरह से ये दोस्तों ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है ये वो काम करता है। मैं आपका ये जो कोड मैंने किया है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं गूगल ड्राइव पे डालता हूँ, वहाँ से वो आपको मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पीएचपी का जो उप कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि जो भी फ्रेमवर्क वगैरह है उसमें ये यूज होता है। अच्छा, पीएचपी का उप्स कॉन्सेप्ट सीखने का एक फ़ायदा ये भी है ना कि आप अगर टाइप स्क्रिप्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट करते हैं, रिएक्ट जेएस करते हैं, एंगुलर जेएस करते हैं, जो भी करते हैं ना, तो एंगुलर के जो 7, 8, 9 वर्जन जो भी आ रहे हैं वो सब मतलब उप्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। टाइप स्क्रिप्ट जो फुल्ली उप्स बेस्ड है, सी सी प्लस जावा सब जानते हैं, तो इसलिए उप्स का कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार सीख लेते हैं ना तो लगभग उसका हर फ्लो जो फ्लो होता है ना सब लैंग्वेज में लगभग सेम ही होता है। तो इसलिए दोस्तों उप्स का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही जरूरी है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।